हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, फिलहाल अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट खबर के बारे में, जिसके चलते अमेरिका तो परेशान हो रहा है पर पूरी दुनिया भी अगर देखा गया तो परेशान यहाँ पे हो सकती है। तो डाउ जोन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिलहाल हम लोगों को नियर बाय 0.5% या फिर 200 पॉइंट की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। 5 दिन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2.5% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब एक दिन में ज़्यादा क्रैश नहीं हो रहा है, बट हाँ, छोटा छोटा अगर हम गिरावट को एक्यूमुलेट करते जाए तो कलेक्टिवली जो गिरावट देखने को मिल रही है अमेरिकन बाज़ार में, वो बड़ी बनती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। और दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं। जो हम लोगों को एक डर देखने को मिल रहा है, जो चीज़ अभी यहाँ पे चल रही है कि US गवर्नमेंट यहाँ पे शटडाउन हो सकती है, तो इसी चीज़ के चलते उसका इम्पैक्ट अमेरिकन बाज़ार के ऊपर हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये आज के दिन की बात नहीं है, इसके पहले भी हम लोग यहाँ पे इसी चीज़ को बार बार देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली इस पॉइंट को मैंने पहले भी कवर किया था, तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया, सर ये एग्जैक्टली टॉपिक है क्या कि अमेरिकन बाज़ार मतलब गवर्नमेंट शटडाउन यहाँ पे हो जाएगा, एंड क्या इसके पहले ऐसी चीज़ यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो हम सारी चीज़ों को अभी यहाँ पे प्रॉपरली समझने की कोशिश करेंगे और कैसे पॉलिटिक्स दोस्तों यहाँ पे चलता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इसमें पॉलिटिक्स भी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, एंड वहाँ की जो कांग्रेस है या फिर आप बोल सकते हो अपोजिशन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उन्होंने तो ये स्टेटमेंट जारी किया है कि देखो भाई, हम तो यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, शटडाउन को तो अवॉइड करना यहाँ पे चाहते हैं, बट फिलहाल की जो सरकार है वो प्रॉपरली हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रही करके। एंड फिलहाल की जो सरकार है वो तो कह रही है कि भाई अपोजिशन हम लोग को प्रॉपरली रिस्पॉन्स दे नहीं रहे करके। तो पॉलिटिक्स किधर भी आप चले जाओ, ठीक है, भारत देश की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, किधर भी चले जाओ, आपको सारी जगह पे आपको यही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो बेसिकली आपको एक एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हो क्या रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते एकदम शुरू से। मतलब देखिए, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से शुरुआत यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, एंड ख़त्म कब हो जाता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। बट अमेरिका की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उनका फाइनेंशियल ईयर जो यहाँ पे रहता है वो हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाता है 1 अक्टूबर से। सो अभी क्या चल रहा है, सितंबर, तो ऑब्वियसली ये सितंबर जो रहेगा वो यहाँ पे उनका साल ख़त्म होते हुए देखने को मिलेगा, एंड ये जो अक्टूबर यहाँ पे रहता है वो उनके लिए एक नया साल लेकर यहाँ पे आ जाता है। मैं यहाँ पे फिस्कल ईयर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट के हिसाब से। और जब भी नया साल हम लोगों को शुरू होते हुए देखने को मिल जाता है, तो दोस्तों जो गवर्नमेंट रहता है दोस्तों, तो उनको यहाँ पे पैसा खर्च करने के लिए, ठीक है, पैसा खर्च करने के लिए अप्रूवल चाहिए होता है। किसका अप्रूवल, मतलब एक लिमिट तक कर सकते, बट अगर लिमिट क्रॉस हो जाता है तो ऑब्वियसली जो अपोजिशंस रहते हैं उनका अप्रूवल उनको यहाँ पे चाहिए होता है। एंड अगर वो अप्रूवल अगर उनको यहाँ पे नहीं मिला, तो ऑब्वियसली दोस्तों इसके बहुत कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड फिलहाल का जो केस चल रहा है ये यही चल रहा है कि 1 अक्टूबर ये डेडलाइन है, उसके पहले यहाँ पे करंट जो गवर्नमेंट है अमेरिका की बात करें, उन्होंने अपोजिशंस के द्वारा क्या करना चाहिए, पैसा आगे खर्च करने के लिए जो अप्रूवल चाहिए वो लेना चाहिए, जो अभी तक उन्होंने लिया नहीं है। मतलब ऑब्वियसली वो दे भी नहीं रहे, तो ऐसा वो क्यों कर रहे, तो वो भी मैं आपको सारी चीज़ें कवर करूंगा। बट इसका इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें, तो इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा, तो दोस्तों अमेरिका के जो एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, उनके ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि अमेरिकन सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा, अगर पैसा ही नहीं होगा तो वो एम्प्लॉयज़ को सैलरी कहाँ से देंगे। मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे कि ऐसा हो सकता है कि अमेरिकन सरकार बोलेंगी अपने एम्प्लॉयज़ को कि काम करो, और पूरा काम करने के बाद जब सैलरी देने का टाइम आएगा तो उनके पास पैसे ही नहीं होंगे। सो ये सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। उसी का इम्पैक्ट अगर हम लोग बात करें, अभी सोच के देखिए, अगर आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दोगे, ठीक है, सरकारी संस्थान वालों को, तो वो काम करेंगे क्या, डेफिनेटली काम नहीं करेंगे। तो कितना ज़्यादा हम लोग को डिस्टर्बेंस वाला माहौल उस कंट्री में बनते हुए देखने को मिल सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट और किसके ऊपर आएगा, वहाँ के जो नागरिक है उनके ऊपर हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब थोड़ा सा हमारे देश के और यहाँ पे आ जाते हैं और थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करना कि जो सरकारी संस्थाएँ हैं वहाँ पर सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं सैलरी देने के लिए, तो सोच सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। रेलवे बंद हो सकती है, सैलरी अगर नहीं देंगे तो रेलवे कैसे चलेगी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो बैंक्स में भी लोग बोलेंगे कि हमें काम नहीं कर, मतलब सरकार के पास ही पैसा नहीं है अमेरिका में, ये चीज़ देखने को मिल रही है। एंड वो पैसा उनको चाहिए
तो इसीलिए वो अप्रूवल मांग रहे हैं अपोजिशन से, वो फिलहाल अभी तक देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें तो कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे देना चाहूँगा, मतलब वहाँ की जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज है, यस, वो हम लोग को बंद होते हुए देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट ये भी बोला जा सकता है कि कुछ लोगों को काम से भी निकाला जाए। प्रैक्टिकली वैसा तो पॉसिबल यहाँ पे है नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, बट ये चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली अभी इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी रहेंगे, एक्सेप्शंस मतलब कुछ ऐसे संस्थाएं रहेंगे जहाँ पे सरकार कहेगी कि नहीं भाई आप तो काम यहाँ पे करते रहो, आपका काम तो बंद हम नहीं कर सकते करके, जैसे कि डिफेंस की बात करें, मेडिकल की अगर हम लोग बात करें, हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को मिल जाती है, या फिर कुछ लीगल प्रोसीडिंग की बात करें, केसेस की बात करें, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे चलती हुई देखने को मिलेगी। बट बाकी के प्रोजेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो चलते रहेंगे, नया प्रोजेक्ट अगर उनको एक्सेप्ट करना है तो वो अलाउ यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि फंड्स ही नहीं है, पैसा ही नहीं, मतलब करंट सिनेरियो के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, और इसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियाँ, डेमोक्रेट की बात करें या फिर रिपब्लिकन की बात करें, दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे झगड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अभी आप ये भी सोचोगे कि यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तो दोस्तों प्रॉब्लम मतलब देखा गया तो क्या होने वाला है, अभी अगले साल की अगर हम लोग बात करें, हमारा तो इलेक्शन रहने वाला है, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद अमेरिका में भी इलेक्शन है, ठीक है। तो इलेक्शन रहेगा तो आपको पता ही है इस प्रकार का पॉलिटिकली खेल यहाँ पे खेला जाता है, और यही चीज़ हम लोग को येस नो वाला खेल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब देखिए बाइडेन क्या चाहेंगे कि उनको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, ठीक है। अगर पैसे उनको अगर मिल जाते, यहाँ पे फंड्स मिल जाते, तो वो क्या करेंगे, अलग अलग स्कीम से रिलेटेड चीज़ों को खर्च करते रहेंगे, ठीक है। एंड अगर पैसे खर्च वो करते रहेंगे, नए नए स्कीम्स में पैसे डालते रहेंगे, तो यस जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो वो ये सारी चीज़ों को गिनाते रहेंगे कि देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस पैसे का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया, आपके लिए ये स्कीम लेकर आए। और अपोजिशन के लिए वो तो खतरनाक चीज़ रहेगी, वो तो बोलेंगे भाई कि अगर इन्होंने ऐसे स्कीम्स लाते रहे तो वहाँ की जनता क्या कर सकते, उनको वापस यहाँ पे चुनकर लेकर सामने आ सकती है करके। तो इसलिए अपोजिशन क्या कर रहे हैं, वो फंड्स रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी रोकने का मतलब क्या है कि वो अल्टीमेटली उनको अप्रूवल ज़रूर देंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, वो सत्ताधारियों को ये बात कह रहे हैं कि भाई आपको अपने एक्सपेंसेस कट करने पड़ेंगे, मतलब ये जो अलग अलग स्कीम्स से रिलेटेड, अलग अलग प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो पैसा डालने की वो बात कर रहे हैं, सो उसमें वो कटौती करने की बात कर रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि सरकार ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाएगी, और खर्च नहीं कर पाएगी तो यही अपोजिशन जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो चिल्लाएंगे कि देखिए कि आपने पैसा खर्च नहीं किया करके, अप्रूवल तो यही नहीं दे रहे। तो ये पॉलिटिक्स चलता रहता है दोस्तों, जैसे मैंने कहा, बट यही चीज़ अभी हम लोग को फिलहाल क्या हो रही है, स्ट्रेच होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, और उसी का इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर भी हम लोग को बाद में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन दोस्तों अगर देखा गया, जो सत्ताधारी है वो एक और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा, कि जब भी ऐसा फंड का क्रंच आ जाता है तो एक शॉर्ट टर्म एक फंडिंग से रिलेटेड भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। तो वो ऑप्शन को भी वो एक्सरसाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, एंड अपोजिशन उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट टर्म फंड की अगर हम लोग बात करें, जब इमरजेंसी आ जाती है तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो फिर ये जो मामला है वो 13 अक्टूबर तक भी खींचा जा सकता है करके, कि चलो शॉर्ट टर्म फंड्स, इमरजेंसी फंड्स तब तक के लिए भी अवेलेबल है करके। बट जैसे मैंने कहा कि अपोजिशन उसको भी रोकने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे। सो कुल मिला के पॉलिटिक्स एकदम जबरदस्त चलते हुए देखने को मिल रहा है, एंड गोल्डमैन सैच्स ने यहाँ पे एक रिपोर्ट भी पब्लिश की है कि इसी चीज़ के चलते अमेरिका को ज़बरदस्त घाटा यहाँ पे होने वाला है, उनकी जो GDP है 0.2% से वीकली हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट मतलब नीचे भी जाते हुए देखने को मिल सकती है, इतना बड़ा नुकसान उनको यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। और इसी चीज़ के चलते दोस्तों ये जो इम्पैक्ट है हम लोग को शेयर बाज़ार के ऊपर भी नेगेटिवली देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम इम्पैक्ट की बात ही कर रहे हैं तो हमारे बाज़ार के हिसाब से इसके मतलब इम्पैक्ट से रिलेटेड क्या चीज़ रहेगी, तो खास करके IT स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा सा इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ा। तो थोड़ा सा ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर देखा गया तो वीज़ा से रिलेटेड जो चीज़ें रहती है वो कुछ हद तक हॉल्ट हो सकती है, ऐसे कुछ हम लोग को रिस्ट्रिक्शन वाली चीज़ें आते हुए देखने को मिलेगी, ये पॉइंट देखने को पे मिल सकता है। मतलब क्या इसके पहले भी इस प्रकार की घटना हुई है, तो यस दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप हम लोग को पावर में देखने को मिल रहे थे तभी भी इस प्रकार का फंड का क्रंचेस यहाँ पे आया था। क्रंचेस मतलब क्या, अपोजिशन अगर अप्रूवल दे देना तो क्रंचेस होगा ही नहीं, ठीक है, वो अप्रूवल देते हैं नहीं, बहुत ज़्यादा जानबूझकर चीज़ों को डिले करने की कोशिश करते हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप के वक्त अगर देखा गया तो ये मामला बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी हुआ था, मतलब एक महीने तक आगे की अगर हम लोग बात करें तो US गवर्नमेंट ये जो शटडाउन से रिलेटेड चीज़ें ना वो एक महीने तक चली थी, इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी चली थी, बट बाद में चीज़ें सॉर्ट आउट यहाँ पे हो चुकी थी, क्योंकि अल्टीमेटली हर किसी को पता है ये मामला आज नहीं तो कल जाके शॉर्ट आउट तो यहाँ पे होने ही वाला है। एंड इसलिए अगर देखा गया तो हमारा जो रुपी है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अभी आप बोलोगे हमारा रुपी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे आएगा, क्योंकि हर किसी को पता है कि जो शटडाउन से रिलेटेड बातें चल रही है उसको अपोजिशन ज़बरदस्त खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इलेक्शन का भी टाइम है तो मार्केट ज़्यादा हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड जितना मार्केट ये नीचे जाएगा अमेरिकन बाज़ार, हर किसी को पता है आज नहीं तो कल
ये सारी चीज़ों को हरी झंडी तो ज़रूर यहाँ पे मिलने वाली है। तो वापस हम लोग को कमबैक भी उतना ही तरीके से होते हुए देखने को मिल जाता है, क्योंकि प्रीवियसली ऐसा हो चुका है। तो इसलिए इन्वेस्टर भी क्या करते हैं कि अमेरिकन बाजार का गिरने का इंतजार करते हैं। वो जितना ज़्यादा गिरेंगे तो विदेश मतलब बाकी जगह से जो पैसा है वो अमेरिकन बाजार में चला जाता है, और इसके चलते हमारा जो रुपी है वो भी हम लोग को डिप्रिशिएट होते हुए देखने को मिल जाता है। ये इसके पहले इतिहास में हम लोगों ने ये बात को विटनेस किया है। तो क्या इस वक्त भी ऐसी चीज़ यहाँ पर होगी? तो ये देखने वाली बात यहाँ पर रहने वाली है। सो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आसान भाषा में आप लोगों के सामने रख दिए। तो अल्टीमेटली माजरा क्या है? माजरा एक ही चीज़ है दोस्तों कि यस, पैसों से रिलेटेड फंडिंग चाहिए। जो अभी की सरकार है उनको पैसे चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सके, वहाँ के लोगों को खुश कर सके। तो इलेक्शन के टाइम वो बोलबाला करेंगे, देखो ये स्कीम्स आपके लिए लाई मैंने, खर्चा यहाँ पे ज़बरदस्त किया है, और ऐसी चीज़ें में हम भविष्य में भी करते रहेंगे, आप हमें वोट दो। और अपोजिशन इसको रोकने की कोशिश करते रहेंगे, और बाद में वोट के टाइम पे ही बोलेंगे देखो इन्होंने पैसे खर्च नहीं किए करके, आपके लिए कुछ नहीं किया, आप हमें वोट दो करके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, और ये चीज़ें बार 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 हम लोग को चलती रही देखते को यहाँ पे मिलती रहती है। हाँ, बट इसके चलते क्या होता है, शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी हम लोग को सफर होते हुए देखने को मिल जाती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट यहाँ पे हो जाता है। इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती। इसके पहले भी जैसे मैंने कहा कि एक महीने तक हम लोग को शटडाउन स्ट्रेच होते हुए देखने को मिला था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम भी, तभी भी कोई बाजार खत्म नहीं हुआ। बट यस, प्रेशर हम लोग को बाजार में बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिला था। तो देख लेते हैं इस वक्त क्या ये सारी चीज़ें 1 अक्टूबर तक खत्म हो जाती है, या फिर उसके बाद भी स्ट्रेच आउट यहाँ पे हो जाती है, एंड क्या सत्ताधारी है वो शॉर्ट टर्म वाला जो फंड है उसको एक्सरसाइज करने में भी सफल हो जाते हैं, या फिर अपोजिशन भी वहाँ पे उनको रोकने में सफल हो जाते हैं, ये देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। तो इसी चीज़ के चलते बाजार भी वॉलेटाइल रहने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि जो भी खबरें आएंगी उस हिसाब से अमेरिकन बाजार में हम लोग को प्लस माइनस होते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा। सो आशा करता हूं दोस्तों जो भी अभी तक का जो सिनेरियो था वो मैंने आसान भाषा में आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है। सो अगर आपको समझ में आया होगा तो आप चाहो तो जस्ट एक यस बोल के फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट ये था, बट 10 मिनट के वीडियो में जितना हो सके फास्ट वे में समझाने की कोशिश यहाँ पे मैंने की है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।